मित्रों नमस्कार, मैं संजय पथ की स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूँ। म्यूजिक में एमए, हाँ म्यूजिक में मैंने एमए किया है, नेट किया है, बिल किया है, सब कुछ किया है। अब वो हो गया मेरा प्रापंचिक व्यवस्था करने का भाग, लेकिन मैं मेरे दिल के लिए क्या करता हूं? मैं हर इंसान को, विशेषता महिलाओं को, एक सलाह देना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं। आप सीखोगे, पढ़ोगे, शादी करने के बाद में आपका म्यूजिक टूट जाता है, फैमिली उधर ससुराल जाने के बाद में म्यूजिक बंद हो जाता है। हस्बैंड को बोलिए कि नहीं, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी एक लाइफ जीना चाहती हूँ। बच्चे उच्चे सब होने के बाद में अपना अपना तुम तब करियर के लिए शुरुआत करोगे जबकि तुम्हारा उधर जाने का वक्त आता है, तब कहाँ करियर शुरुआत करेंगे? करियर बनाने के लिए तुमको प्रॉपर एज मिला है, एक प्रॉपर व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से समझाओ कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं और मेरे मुझे भी दिल है, मुझे भी जीने का हक है और अपने तौर तरीके से, बाकी तो सब चीज़ें होने ही वाली है। तो आप इस तरीके से अगर किसी को समझाते हो, कन्विंस करते हो, तो आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो मिल सकता है और वो म्यूज़िक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, मैं म्यूज़िक का हूँ इसलिए नहीं, आप कोई भी कला सीखिए, आपको उसमें महारत हासिल हो सकती है। कंटिन्यूस उसके पीछे रखो, एक कंसिस्टेंसी रखो, एक प्लानिंग रखो लाइफ में। एक प्लानिंग करने के बाद में, हाँ मुझे 8 दिन के अंदर ये काम करना है, भले ही उसको 10 लगे, लेकिन आपने एक डेडलाइन तो दिया है उसको करने के लिए, और वो ही डेडलाइन आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रवृत्त करती है और आप कुछ ना कुछ कर पाते हो। एग्जाम की डेट आने के बाद में आप महीना भर पहले कॉपी निकालते हो स्टडी करने के लिए, साल भर स्टडी नहीं करते। चलो ठीक है, हो जाएगा, जब देखेंगे एग्जाम आएंगे तब, लेकिन डेडलाइन जब मालूम पड़ती है तो आप कुछ ना कुछ हिलते हो, करना पड़ेगा भैया अभी। बस वैसी डेडलाइन अपने प्लानिंग में रखो कि मुझे इस तारीख तक ये करना है। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक को इतना भी कमजोर मत समझिए। हम खुद ही उसको अगर उसकी कीमत नहीं करेंगे तो पब्लिक तो उसको यूं उड़ा देगी। कमाई के लिए बाकी चीज ठीक है, सीखना, ये फैकल्टी, वो फैकल्टी, वो फैकल्टी, दिल के लिए कौन सी फैकल्टी है? वो फैकल्टी चूज करो जो तुमको जीना है। तो मित्रों, ये सब बात मैं इसलिए करता हूं आपको क्योंकि मैं खुद उसमें से गया हूं। लोगों की नजरों में दुत्कार मिली है कि चलो म्यूजिक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन जब कुछ ना कुछ अलग लोगों के नजर में आया तो वो जो पीछे गालियां बकने वाले रहते ना, वही सामने, अरे हमने तो बोला था आपको संजय हमारे गांव का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाएगा, और ये बड़े, आज शाम को घर को आ सकते हो आप, देखिए आपका प्रोग्राम अगर अच्छा हो गया ना, वर्कशॉप बड़ा अच्छा हो गया ना, तो आपको बुलाने वाले 50-100 चेहरे होते हैं, आपको देखने वाले 100 चेहरे होते हैं, आपको चाहने वाले बहुत से चेहरे होते हैं। आप किस किस को न्याय करोगे? वो भी आपके लाइफ में वो दिन आना चाहिए, ऐसा अगर लगता है आपको तो आप एक खुद का निश्चय पक्का कीजिए, एक डिटर्मिनेशन करिए कि हाँ हमको ये करना है, और उसमें एटलीस्ट सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा रियाज कीजिए। पहले तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा कि सुर कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, रियाज कीजिए, उसके बाद में आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो, पा सकते हो, जो कि आपने सपना देखा है। ठीक है, करोड़ों का देखो लाखों तो पाओगे, लाखों का देखो हजारों तो पाओगे, हजारों को देखो सैकड़ों पाओगे। तुम अगर चिल्लर का ही सपना देखोगे तो चिल्लर ही नसीब होगी। तो सपने बड़े बड़े देखिए, पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत तो कोशिश आप करोगे ही करोगे, ये मेरा विश्वास है। अब सबसे बढ़िया बात है कि लाइफ, गाना कब से सीखेंगे? किसी को कभी लगता है कि यार मैं तो 22 साल का हो गया, मेरे को बहुत लेट हो गया। कोई बोलता है मैं 30 साल का हो गया, मुझे बहुत लेट हो गया, मैंने पहले सीखना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है भैया, लाइफ में किस मोड़ पे क्या प्राप्त होगा ये हम लोग तय नहीं कर सकते। वो जो बैठा है ना ऊपर महाराज के रूप में, खुदा के रूप में, वाहेगुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, एक शक्ति है, एक शक्ति जो हमको नजर नहीं आती पर असर जरूर करती है, वही शक्ति आपके सब डिसीजन लेती है। हम तो केवल एक पात्र बने पड़े हुए हैं इस पूरे रंगमंच पे, हम अपनी भूमिका निभाने आए हैं, और वो उसके खेल वहां से चलाता है। हमको लगता है अच्छा हमने किया, हम कुछ नहीं कर सकते जी, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब खेल उसका रचा हुआ होता है। अच्छा, दूसरी बात, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है,
ऑलरेडी सब स्क्रिप्टेड होता है, करके तो हम देखते ना हमारे भविष्य में क्या लिखा है। लिखा है कब पैदा हुए तब से लिख के आया है, आगे मेरे लाइफ में क्या है पूछने जाते ना, तो कहां योग आयोग होता है, कहां कोइंसिडेंस होता है, ऑलरेडी सब लिखा हुआ होता है, उस हिसाब से ही चलता है। आप विश्वास रखो चाहे मत रखो, आपके विश्वास नहीं रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, उसमें आप बरसात को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता ले सकते हैं। अगर आग लगी है तो आप आग बुझा नहीं सकते, लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव ले सकते हो। तो आपको उसमें से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बताए जाते हैं। वैसे संगीत सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं कि पूरे खुले आवाज में गाओ, बड़े आवाज में गाओ, ये गाओ वो गाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूं, नेचर अपना काम कभी भी गलत नहीं करता। 300 फीट का हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो 3 फीट का दिखता है, अंडरलाइन कीजिए ये, 300 फीट का जहाज जब ऊपर जाता है तो 3 फीट का दिखता है। हम लोग बोलते हैं इतना छोटा है, उसमें तो 500 लोग बैठे हुए, भैया तुम यहां से देख रहे हो तो 3 फीट का नजर आ रहा। आप जितने दूरी पर देखोगे उतना उसका आकार कम होते जाएगा। ध्यान कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, 300 फीट का 3 फीट का हो गया, और ऊंचा गया वो और 3 इंच का भी दिख सकता है, उसके बाद में तो दिखना भी मुश्किल है। ये क्या है? वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो 3 फीट का होता है क्या? नहीं होता है, आपको खाली नजर आता है। अब यही चीज है और यही नेचर है, जो चीज आपके करीब है वो बड़ी दिखती है, जो आपके दूर है वो छोटी दिखती है।